23 सितंबर 2018 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड पर बीएस फाउंडेशन म्यूजिक ग्रुप द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस म्यूजिक नाइट में देश के जाने माने शख्सियत ने हिस्सा लिया, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम का अगर कोई आकर्षण था तो वो थे उत्कर्ष शर्मा। जी, बी एस फाउंडेशन ने ये एक प्रोग्राम रखा था अजिया के नाम से, जैसे आप जानते हैं। तो आज गणेश विसर्जन का भी दिन है, तो हमने ये अजिया थोड़े यंग आर्टिस्ट को लेके, जो कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं दिल्ली के, काफ़ी नामी सिंगर्स का नाम आता है, तो हमने उन लोगों को यहाँ पर रखा और कुछ गाने यहाँ पर पेश किए लोगों के लिए। आप देख सकते हैं अंदर हाउसफुल है, तो रिस्पॉन्स तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा। मेरे ऑलरेडी काफ़ी एल्बम्स आ चुके हैं, बाकी इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आप उत्कर्ष शर्मा म्यूजिक के नाम से मेरे को ढूंढ सकते हैं। और अभी रिसेंटली एक एल्बम मेरा आने वाला है, इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक एल्बम आ रहा है, टाइम्स म्यूजिक उसे रिलीज़ कर रहा है, तो बहुत जल्दी कुछ कमी भी आने वाली है, आपको बताया जाएगा और आपकी उपस्थिति वहाँ पर ज़रूर चाहेंगे। इतना ही नहीं, म्यूजिक इवेंट की सहायक म्यूजिक कंपनी के सह संचालक राघव राज बंसल ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। मेरा मानना ये है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम बिना आशीर्वाद पूरा नहीं हो सकता, तो जब ऐसा प्रोग्राम हमने देखा है तो इसके पीछे बहुत बड़े सज्जनों का आशीर्वाद है, हमारे लिए वो आशीर्वाद जरूर बना के रखते हैं। हम कुछ भी नहीं है उनके आशीर्वाद के लिए, और बड़ा पावन दिन है आज का गणेश विसर्जन का, जब 10 दिन गणेश जी को घर पे रखा जाता है तो उनसे कुछ मांगा नहीं जाता, उनसे सब यही दरख्वास्त की जाती है कि आप अगले साल जरूर आए। तो मैं बी एस फाउंडेशन के लिए ये कहूँगा कि इस साल का मैं इंतज़ार तो कुछ नहीं होगा, उत्तर से मेरी रिक्वेस्ट रहे कि बी एस फाउंडेशन को संचालित कर रहे हैं जल्दी ही ऐसा और इससे भी बेहतर प्रोग्राम लेके आएगी हम सब इनके साथ। वहीं इस म्यूजिक इवेंट में जाने माने गेस्ट मौजूद रहे। संगम कला ग्रुप के नेशनल प्रेसिडेंट वीएसके सूद के अलावा और तमाम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। योगेश सोनी जी के लिए। वहीं टेलीविजन व प्रिंट मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आइए विनय जी, आप भी साथ में आ जाए, विपुल जी आप भी आ जाए। पहले तो मैं बी एस फाउंडेशन का धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे ये सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम तो बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने गाने गाए और उत्कर्ष जो बेटा है उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने गानों का। बी एस फाउंडेशन के इस भव्य कार्यक्रम को म्यूजिक एंड मी म्यूजिक सॉल्यूशन संस्था ने अपने स्तर पर बखूबी सहयोग दिया। बी एस फाउंडेशन ग्रुप एक जाना माना म्यूजिक ग्रुप है। इसकी चेयरपर्सन बबीता शर्मा जी हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बबीता शर्मा का एक ही मकसद है कि म्यूजिक और गायकी को बुलंदियों तक पहुँचाना। नेशनल खबर दिल्ली।